स्टूडेंट्स, एमएस ट्यूटोरियल बालेश्वर में आप सबको स्वागत है। मैं आशीष कुमार पड़ियारी। आज क्या करूंगा, टाइम एनवर खत्म होने के बाद ये जो वाईफाई सिस्टम चल रहा है, सीरीज वाला प्रॉब्लम, आज क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो ये जो प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम कौन कौन सा एग्जाम है, ये बैंकिंग के लिए, सीजीएल के लिए, जितना भी बड़ा बड़ा एग्जाम है ना, ये उनका वोल्टेज इसी लेवल का वो प्रॉब्लम डालता है। जैसे कि गेट का एग्जाम है, वो सारे एग्जाम में क्या करेगा, वो इस लेवल का प्रॉब्लम वो डालता है। और जो मतलब टेक्निकल लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि हम लोग आईटीआई लेवल का एक सोचेंगे तो एग्जाम यहाँ पे डीआरडीओ जिसका सेकंड फेज एग्जाम है, वो सेकंड फेज में क्या करता है, इसी लेवल का प्रॉब्लम वो डालता है। ये प्रॉब्लम को हम लोग को क्या करना चाहिए, बिल्कुल फंडामेंटल समझना चाहिए, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारे चीज को हम समझेंगे। समझने के बाद हम क्या करेंगे, वो वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो ये बिल्कुल फंडामेंटल लॉजिकल प्रॉब्लम है, हम लोग को समझना है और इसी के बारे में हम लोग को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या है, टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 14 एंड 16 आवर रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे दो पाइप है, पहले मैं क्या करूँ, डाटा कॉपी करूँ। मान लो पाइप ए है, यहाँ पे पाइप बी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं। कितना घंटा, ये 14 घंटा है और यह कितना है, ये 16 घंटा है। ठीक है, अब तक है पाइप्स आर अपन साइमल्टेनियसली, हम लोग क्या किया, दोनों पाइप को अपन किया। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, वो वाला चीज का एट ए टाइम हम लोग दो पाइप को ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करो, मैंने क्या किया, दो पाइप को ओपन किया, ए और बी, दो पाइप को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अभी देखो दोनों पाइप पानी दे रहे हैं, दोनों पाइप को ओपन कर दिया, तो यहां से एक लॉजिक ऐसे आ गया, टंकी सिर्फ फिलअप ही होगा। ठीक है, उसका आगे चलो, इट इज फाउंड दैट ड्यू टू द लीकेज इन द बॉटम। ठीक है, वो जो टंकी है, यहाँ पे दो पाइप जा रहा है ए और बी, यहाँ नीचे क्या है, एक लीक है, मान लो लीक सी है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, यहाँ पे डाटा कॉपी करो सी है, मान लो क्या करता है, सी सी घंटा में टंकी को खाली करता है। अब तक सही? ठीक है, ड्यू टू द लीकेज इन द बॉटम इट टेक्स 32 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम। अभी वो क्या कर बोल रहा है कि वो जो टंकी है, वो टंकी को ये क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, वो 32 मतलब 32 मिनट्स ज्यादा ले रहा है। तो कौन सा टाइम है, पहले जो टाइम में ले रहा था वही टाइम से क्या कर रहा है, 32 मिनट ज्यादा रहा है। ठीक है, तो देखो मान लो इसी टाइम में ए बी दोनों जिस टाइम में टंकी को फिल करेंगे, मान लो इसी टाइम में वो क्या करेंगे, एक्स घंटा चलने के बाद ये टंकी फिलअप हो जाएगा, पहले क्या करेंगे वही एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकालो, तो ये कितना होगा अकॉर्डिंग टू द मेथड, ये क्या होगा 1/a, ये कितना होगा 1/b, ये तो हो गया। कैसे होगा, ये मैंने पिछला वाला प्रॉब्लम में सारे चीज बता दिया, ये क्या है वजह से, ये क्या है घंटा है, एक घंटा का वजह से दोनों का है, और दोनों एक्स घंटा काम करने के बाद क्या हुआ, ये टंकी फिलअप हो गया। उसके बाद वैल्यू डाल दो, यहाँ पे होगा 14, यहाँ पे होगा 16, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 8 × 2 × 7, ये होगा। तो ठीक है, ये 14 है, ये 7 × 2 बचा कितना 8, ठीक है ये 16 है, 8 × 2 = 16 बचा कितना 7, तो ये दोनों का समेशन कितना होगा, यहाँ पे 15 होगा, 15 लिख दिया। तो देखो इसी साइड में ये कितना होगा, इसी साइड में 1 है, तो ये कितना होगा, देखो ये होगा 8, ये होगा 7, वो हो गया 15, ये नीचे 8 है, 2 है और कितना है 7 है, ये कटेगा क्या, मेरे बिल्कुल दिखाई दे रहा है वो कभी नहीं कटेगा। तो देखो ये कितना होगा 1/1, ठीक है अब तक सही। ये क्या करेंगे, वो वाला चीज को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो देखो ये कितना होगा, देखो ये 8 है, ये 2 है, ये 7 है, सब मल्टीपल है। ठीक है, अभी वो सारे चीज को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूं तो ये 16 होगा, उसके साथ ये 7 मल्टीप्लाई करूं, ये 16 के साथ 7 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, 112 होगा, तो ये कितना होगा 112। वो वाला चीज को साइड ओवर करो तो ये कितना होगा 112, वो क्या होगा काट दिया, वो वाला चीज को क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 112/15। तो वो चीज कौन सा मेथड में, ठीक है ये मिल गया, तो टंकी अभी चलेगा तो ये क्या होगा, टंकी इसी इतना घंटा में ये टंकी फिलअप होने वाला है। लेकिन देखो अब तक सही, इतना घंटा में फिलअप होने वाला है। देखो दूसरे वाला केस में क्या हुआ, वो टंकी इतना घंटा में फिलअप नहीं हुआ, क्योंकि नीचे एक लीक है, ठीक है नीचे लीक है, तो इसीलिए क्या हुआ 32 मिनट्स ज्यादा ले लिया। ठीक है, अभी भी वो वाला केस में क्या हो रहा है, टंकी फिलअप हो रहा है, तो प्रायोरिटी वो दोनों का रहेगा, ए देगा बी देगा सी निकलेगा। ठीक है, निकालेंगे और आउटपुट में क्या किया, एक टंकी को फिलअप कर दिया, तो ये फिलअप कैसे हुआ,
तो पहले इतना टाइम ले रहा था, यहां पे क्या आ रहा है 32 मिनट्स ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो देखो कितना टाइम ले रहा है, ये 112 डिवाइड बाय 15 ये आवर है। एक काम करेंगे, ये मिनट है ना, पहले वो वाला चीज को हम लोग क्या करेंगे, उसको मिनट को कन्वर्ट कर देंगे। तो मिनट को कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, बिल्कुल क्या करो, मैं 60 मल्टीप्लाई कर दू, क्योंकि मेरे को पता है एक घंटा इज इक्वल टू कितना है 60 मिनट, तो इतना घंटा इज इक्वल टू इंटू 60 हो गया। उसके साथ में 4 मल्टीप्लाई 15 के साथ काट दो 60 को, ये हो गया कितना 4, तो ये कितना होगा 400 बार, ये 12 के साथ 4, ये कितना होगा 448। तो देखो ये कितना हुआ 448, ये सारे चीज मिनट में है, लेकिन नीचे वाला चीज देखो ये सारे चीज आवर में है। पहले एक काम करो, वो वाला चीज को सॉल्व करो, ये सॉल्व करने के बाद ये कितना होगा, ये कितना होगा देखो, तो ये पहले देखो तो ये होगा 0, ये होगा 8, ये होगा 4। ठीक है, इतना मिनट वो वाला चीज को मेरे को दिखाई दे रहा है, देखो बिल्कुल 60 में कट जाएगा, तो काटने के बाद ये कितना होगा, ये होगा 8, तो ये क्या होगा आवर को कन्वर्ट हो गया। तो देखो ए बी सी तीनों काम किया, 8 घंटा काम करने के बाद ये क्या हुआ, टंकी फिलअप हो गया। देखो वो वाला चीज को इक्वेशन को कन्वर्ट करो, तो ये कितना होगा 1/a, ये होगा 1/b माइनस 1/c इंटू 8 इज इक्वल टू 1। वो वाला इक्वेशन को मेरे अभी सॉल्व करना है और सी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि फाइनल में मांग रहा है व्हेन द सिस्टम इज फुल, अभी क्या है ए टंकी बिल्कुल फिलअप है, इन व्हाट टाइम विल द लीक एम्प्टीड, वो क्या करेंगे वही वाला लीक, ये देखो ये टंकी बिल्कुल फिलअप है, क्या करेंगे वही लीक वो चीज को कितना टाइम के अंदर खाली कर देगा। ठीक है, तो यहां पे मेरे को क्या करना चाहिए, वही सी का वैल्यू निकालना चाहिए, तो इसीलिए क्या करूं वैल्यू डाल दू, ये होगा 14, ये होगा 16 हो गया। देखो इसी साइड में 8 है, उसको क्या करो इस यहाँ पे साइड ओवर करो, तो ये कितना हो गया 1/8, वो चीज का एलसीएम डाल दो, देखो 1/a प्लस 1/b, तो ये दोनों जो चीज है ये इसके साथ इक्वल है, बिल्कुल इसके साथ इक्वल है। तो इक्वल होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करो, वही चीज को यहाँ पे ले आओ। ठीक है, ले आने के बाद देखो ये कितना हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था वो वाला चीज 15 डिवाइड बाई कितना हो रहा था 1/8 इंटू 2 इंटू 7, तो माइनस 1/7 इज इक्वल टू कितना हुआ 1/8। अभी क्या करेंगे वो वाला चीज का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, देखो एक लाइन में वो चीज का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, सारे चीज का नीचे को वो दोनों जो मतलब यहां से मेरे को क्या करना चाहिए, वो वाला चीज क्या होगा, यहाँ से वो वाला चीज यहाँ से शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैं क्या करूँ एक लाइन में कर रहा हूँ, ये दोनों में क्या है देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वही दोनों को इक्वल करने के लिए कोशिश करो, तो देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 7 है मल्टीप्लाई, मैं क्या करूँ यहाँ पे 2 × 7 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना आता 14 हो जाएगा। 14 होने के बाद देखो वो दोनों का नीचे इक्वल हो गया, अभी साइड ओवर करो, ये सी 1/c पॉजिटिव हो जाएगा, वो वाला नीचे को काट दो, ये 14 है, ये 15 से 14 को माइनस कर दो, हो गया कितना 1, तो ये कितना हुआ 112। ठीक है, तो ये मिला कितना 112 इज इक्वल टू 1/c, तो सी का वैल्यू कितना होगा 112 आवर। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया, मैं बिल्कुल आप लोगों को बोल दिया कि ये प्रॉब्लम कैसे आएगा, तो वो प्रॉब्लम कैसे है, क्वेश्चन कैसे है, सारी चीज को आप लोग क्या करेंगे ध्यान के साथ देखेंगे और समझने के बाद ये देखो आसानी के साथ कितना आसानी के साथ ये सी का वैल्यू निकाल गया। ठीक है, तो आप लोग करेंगे तो ये बहुत जल्दी के अंदर 1 मिनट के अंदर जरूर ये वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम थोड़ा है लेकिन वो वाला प्रॉब्लम एग्जाम में डल रहा है सारे एग्जाम में। ठीक है, मेरे को लग रहा है आप लोगों को वो चीज समझ में आ गया। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारा चैनल को जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल को ये क्या करना चाहिए, इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत सारे वीडियो मिस करेंगे, वो वाला चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं आएगा, तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना, और दबाने के बाद ये क्या होगा तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सारे वीडियो का। और हर चैप्टर में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, देखो एक चैप्टर में एक दो प्रॉब्लम में नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा एक भी प्रॉब्लम छोड़ ना जाए, कोई एग्जाम आप फेस करने के लिए जाएंगे तो एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूं तो ये आपका बहुत काम में आएगा, एक के बाद एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक एक चैप्टर में 15-20 का प्रॉब्लम कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका एग्जाम के साथ ये क्या होगा ये मैच हो जाएगा, आप जल्दी क्या करेंगे कर पाएंगे, फंडामेंटल क्लियर होगा। ठीक है, इसी हिसाब से आपको एक नौकरी भी मिल जाए क्रैक करने के बाद ये सारे प्रॉब्लम को। ठीक है,
आज इतना, फिर मिलेंगे दूसरे वाला वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक बाय बाय।